यहाँ हमारा डेकोरेशन का काम चालू हो चुका है। देखिए धीरे धीरे सारे में लूम्स में हवा भरे जा रहा है। ये हमारे भैया हैं, आपका नाम क्या है? सूरज कुमार, सूरज कुमार जी। और आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। ये दोनों यहाँ पे बढ़िया डेकोरेशन के नाम से फेमस है, वेडिंग सेलिब्रेशन सब तरह का सेलिब्रेशन के लिए अपना ये डेकोरेट करते हैं। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना होगा तो इनका कांटेक्ट डिटेल हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे, और जैसे जैसे काम बढ़ता है हम आपको सारा वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम आगे का सीन दिखाते हैं। ये हमारे पिलर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। और बाकी का काम हम आगे दिखाते हैं। वेलकम टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग। और हम लोग फिर से लेके आए हैं ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, आज नेहा का बर्थडे था। रात को हम लोग ने केक काटा था, फिर मंदिर भी गए थे। तो और अभी रात हो चुके हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं मेरे माथे में पसीना बहुत टपक रहा है, सर भी भींग चुका है। और नेहा अब केक काटने वाली है, तो चलिए अब आपको सेलिब्रेशन से पहले उसके लिए जो सजावट हुआ है वो दिखाते हैं। ये नेहा का सजावट है, मतलब नेहा के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ने सजवाया है घर को। ये पूरा सीलिंग में भी वर्क करवाया है और नेहा तो सरप्राइज हो गई थी देख करके। ये बैलून का पिलर है, ये भी बैलून का पिलर है। पूरे दरवाजे से लेकर के पूरे रूम को सजा दिया गया है। नेहा तैयार हो रही है, तो चलिए अब आपको नेहा से मिलाते हैं। तो गाइस मिलिए नेहा से, और ये है सौरभ, और ये है मेरी प्यारी सी बेटी क्यारा। और नेहा अब केक काटेगी। तो नेहा आज दूसरी बार केक काट रही है, तो कैसा लग रहा है मैडम? दो बार केक काट चुकी हो अभी तक? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर बात बहुत हो गया, आप केक काटे? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी करते हैं। ये है क्या है? ये स्नो स्प्रे। स्नो स्प्रे है। और ये रहा पार्टी पॉपर, और ये इसका कमाल देख। तुम अपना दिखाओ, हम अपना ट्राई करके दिखाते। देखो ये ऐसा है, तुम अपना दिखाओ। इधर हो गया, वो कर सकता है। तुम सही समय पे नजर आ जाए। ठीक है, तो नेहा काटेगी। कैंडल जलाना होगा ना? नहीं, ठीक है, ऐसे ही है। और ये केक है नेहा का, कौन सा केक है? रेड वेलवेट का केक लगे क्यारा बेटी के। सिर्फ रेड दिख रहा है, वेलवेट ऊपर से है, वेलवेट अंदर से तो वेनिला होना चाहिए। हाँ। गर्मी हमको बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम बोले तो याद आ रहा है, अरे क्योंकि एसी का हवा बहुत कम आ रहा है इस रूम में। चलो तो ठीक है, अब केक कटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं ना। केक काटा जाए। रुको, वन टू टू थ्री स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। इसका पार्टी पॉपर बर्बाद हो गया। यहाँ तो दुकान में बोल रहा था कि चेक कर दे, बोला नहीं नहीं फूट जाएगा इसका। सही में पार्टी पॉपर बेकार हो गया। अब मेरा ये देखो, ये लो। गजब बेइज्जती है।
सूख जाएगा तुम बोलो क्या हो गया ना? अब क्या हम मम्मी को केक खिलाएंगे? तुमको ना पहले खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे केक देखिए नेहा केक मजे से खा रही है काट करके, और पूरा घर को गंदा हो चुका है और सारा मेहनत अब बेकार होने वाला है क्योंकि बर्थडे तो मन गया है। और क्यारा को केक नहीं दी, क्यारा को केक दो, मम्मा खा रही है, मम्मा अकेले पेट भर के। बस कैसा लगा छोटू केक? Awesome. बहुत खूब ले यम्मी लाजवाब। केक तो तुम खाती हो ना क्यारा? यम्मी फूड देखो ना टेस्ट करके। नहीं इसको अच्छा लगा, छोड़ो। अच्छा नहीं लगा तो ले। अरे बाप रे, बिना कैमरा का खाओगी? हाँ दिखना नहीं चाहिए कैमरा में। और ये नेहा का बर्थडे अब खत्म हो चुका है सारा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट भी खत्म हो गया। और तो क्या हुआ, अगले साल फिर आएगी और सब तुम्हारा बर्थडे बच जाएंगे तो सिर्फ आज की याद है। आज की याद है कि तुम्हारा पार्टी पॉपर नहीं फूटा एट लास्ट। अच्छा अगले साल मैं फिर आऊंगा। पार्टी पॉपर पटना से लाना, पटना से लाना है। हमको भी केक दो। क्या ना टेस्टी केक है सही में। बहुत अच्छा। और अब हम लोग खाना ऑर्डर करने वाले हैं। मतलब ऑर्डर क्या क्या करना है? ऑर्डर महारानी जी बताइए। और मंचूरियन होना चाहिए। मंचूरियन चाउमीन और मंचूरियन ठीक है। तो चाउमीन और मंचूरियन आएगा, हम तो पूरा पसीने से भींग चुके हैं। बम बम बम। अब डांस भी करेगी। अरे डांस करो। तो ऑर्डर कर दो जल्दी से। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्द।